Assalamu alaikum everyone, I am Muhammad Ajmal Jatt and welcome to you. Today we will discuss about what is xerography. Photocopying machine wali figure mein aapko ek shop nazar aa rahi hai photocopy ki. Aapko aap agar us shop pe jate ho aur aapke paas documents hain aur usko copy karwana hai to photocopy machine wala us documents ko iske andar se pass karta hai, is machine ke andar se pass karta hai aur aapko ek duplicate de deta hai. Is duplicate ko dekh ke hame samajh lagti hai, hum sochte hain ki ye kaise possible hai कि एक फोटोकॉपी एक पेज का डुप्लीकेट निकाल लिया हमने. इसके अंदर कौन सा ऐसा मेथड है, कौन सा ऐसा प्रोसीजर है और इसके क्या इंटरनल पार्ट्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे. एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज में देखते हैं, देयर आर टू एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज. नंबर वन पे है ज़ीरोग्राफी, नंबर टू पे है इंकजेट प्रिंटर. इस टॉपिक में हम इस सिलेबस में हम सबसे पहले यूज़ करते हैं ज़ीरोग्राफी क्या है. स्टूडेंट प्रीवियस लेक्चर में आपने स्टडी किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज क्या है. इलेक्ट्रोस्टैटिक का मींस था द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, जो कि आपके पास पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज. मैंने आपको बताया था कि जब बारिश होती है उस वक़्त जो चार्ज लाइटनिंग होते हैं वो रेस्ट की हालत में होते हैं. जब लाइटनिंग होती है तो जो चार्ज प्रोड्यूस हो रहे होते हैं वो रेस्ट की हालत में होते हैं, उनको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज कह सकते हैं. जी ज़ीरोग्राफी में हम देखते हैं कि हमारे पास ये दोनों मशीन मौजूद हैं. ये ज़ीरोग्राफी है, फोटोकॉपी मशीन है. ज़ीरोग्राफी की डेफिनेशन है द कॉपिंग प्रोसेस इज कॉल्ड ज़ीरोग्राफी और इलेक्ट्रोग्राफी. स्टूडेंट इलेक्ट्रोग्राफी इसका एक सेकंड नेम है. इट इज़ कम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक्स वर्ड, ज़ीरोस मीन ड्राई एंड ग्राफेस ग्रेफाइस मीन राइटिंग विच मीन ड्राई राइटिंग. ज़ीरोग्राफी के नेम से शो हो रहा है कि ये ड्राई राइटिंग, कि इसमें हमको यूज जो यू राइटिंग यूज़ कर रहे हैं वो ड्राई किस्म की है. फिगर में आप देख रहे हो कि आपके पास एक पेज है, एक ड्रम है, ड्रम के ऊपर ए बी सी डी लिखा हुआ है. तो ये कैसे पेज के ऊपर पेस्ट हो रहा है इसका प्रोसेस देखेंगे. ज़ीरोग्राफी इज़ द ड्राई फोटोकॉपिंग टेक्निक. इन्वेंशन ऑफ ज़ीरोग्राफी, इन्वेंशन इन्वेंटेड बाय अमेरिकन मिलिट्री पर्सन चेस्टर कार्लसन. ये एक आर्मी पर्सन था जो कि आर्मी में एक क्लर्क की जॉब थी इसकी, और वहाँ पे इसका काम ये था कि जो भी कोई पेज इसको देते थे और उसको हैंड से अलग अलग डुप्लीकेट उसके बनाने होते थे. तो ये काम से वो बहुत ज़्यादा बोर हो चुका था और काफ़ी उसको एक्सपीरियंस भी हो चुका था. तो उसने आखिरकार ये ड्राई राइटिंग वाली मशीन को इन्वेंट किया, जिसकी वजह से अमेरिकन गवर्नमेंट ने 6 अक्टूबर 1942 में इनको काफ़ी मनी दी, काफ़ी अवार्ड्स दिया, जो कि इसने आवाम की भलाई के लिए इसका काफ़ी हिस्सा यूज़ किया. दिस प्रोसेस यूज नॉन लिक्विड केमिकल्स. ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन है कि क्या इसमें लिक्विड यूज़ होता है. नो, इसमें कोई लिक्विड यूज़ नहीं होता, ड्राई राइटिंग यूज़ होती है. पार्ट्स ऑफ मशीन में हम देखते हैं स्टूडेंट, द मेन पार्ट्स ऑफ मशीन आर ड्रम, टोनर, हेड रूलर्स, हीटेड रूलर, लैम्प, लेंस. इसके मेन पार्ट जो हैं ड्रम, टोनर, हीटेड रूलर, वो आपको स्टूडेंट्स फिगर में नज़र आ रहे हैं. ये आपके पास एक ड्रम है जो कि एलुमिनियम का बना हुआ है. ये एक एलुमिनियम एक कंडक्टर होता है, इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पास हो सकते हैं. कंडक्टर उसको कहते हैं जिसके अंदर से करंट पास हो सकता है, जिस तरह आपके पास कॉपर, आयरन, ये कंडक्टर हैं. इस ड्रम के ऊपर स्टूडेंट हम एक कोटिंग करते हैं लेयर की, वो सिलीनियम सब्सटेंस होता है. सिलीनियम सब्सटेंस ऐसा सब्सटेंस है कि जिसके ऊपर अगर अंधेरा है तो वो इंसुलेटर होगा, अगर उसके ऊपर लाइट है तो वो कंडक्टर बन जाता है. उसके बाद आपको हीटेड रूलर नज़र आ रहे हैं, ये वाले हीटेड रूलर का काम क्या है, ये जो पेज के ऊपर इंक पड़ी होती है, पेज के ऊपर जो ड्राई पाउडर पड़ा होता है उसको इसके ऊपर अच्छी तरह पेस्ट करना, इसका काम है. स्टूडेंट ये हमारे पास लैंप है जहाँ से लाइट पास होती है, लाइट प्रोड्यूस होती है और इस पेज के ऊपर पड़ती है जिसको हमने कॉपी करवाना है. फिर वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर एक लेंस की मदद से इस सिलेंडर के ऊपर फोकस होती है जिसके ऊपर टोनर पड़ा होता है. ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ ज़ीरोग्राफी क्या है, कि ये जो मशीन है, ये फोटोकॉपी मशीन है, ये किस बेस पे काम कर रही है, इसका असूल क्या है. द लैंप ट्रांसफर इमेज ऑफ द पेज टू द ड्रम विच लीव्स द स्टैटिक चार्ज. द ड्रम कलेक्ट डस्ट, टोनर एंड ट्रांसफर इट टू द पेपर.
स्टूडेंट्स के प्रिंसिपल में आपने देख लिया, जिसका हम आगे जाके देखते हैं। मेन मकसद आपको समझ आ जाता है कि इसका असूल क्या है, कि इसके ऊपर हमें क्या करना होगा। एक लैंप की मदद से एक पेज को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं ड्रम के ऊपर, फिर ड्रम एक चार्ज, स्टैटिक चार्ज, वो इसके ऊपर लीव करता है पेज के ऊपर, और जिसकी मदद से वो फिर हीटेड रूलर की मदद से हम उसको गर्म करके पेस्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कंस्ट्रक्शन ऑफ ज़ीरोग्राफी। कंस्ट्रक्शन ऑफ ज़ीरोग्राफी में हमने देखना है, देख रहे हैं कि हमारे पास एक एलुमिनियम का सिलेंडर है जो कि ब्लू कलर में शो किया गया है। ये एलुमिनियम का बना हुआ है। पहले मैंने बात की थी ये कि कंडक्टर है, इसके अंदर से चार्ज पास हो सकते हैं। इसके ऊपर येलो कलर में स्टूडेंट सेलेनियम का सब्सटेंस है। सेलेनियम का सब्सटेंस के बारे में मैंने बताया था कि ये एक ऐसा सब्सटेंस है कि जिसके ऊपर अगर रोशनी पड़े तो ये कंडक्टर बन जाता है, किसके अंदर करंट पास हो सकता है। अगर इसके ऊपर लाइट है और लाइट नहीं पड़ती, डार्क एरिया है, अंधेरा है इसके ऊपर, तो फिर ये कंडक्टर नहीं, इंसुलेटर कहलाता है। तो इसीलिए इसका नाम हम सेलेनियम इज अ फोटो कंडक्टर, इट्स मीन सेलेनियम इज कंडक्टर इन लाइट एंड इंसुलेटर इन डार्क। उसके बाद स्टूडेंट ये एक आपको वायर नज़र आ रही है, इस वायर को हम अर्थिंग वायर कहते हैं, कि जो भी चार्ज एल्युमिनियम में जमा होते हैं उनको हम कैसे इस वायर के ज़रिए निकाल सकते हैं। वर्किंग ऑफ ज़ीरोग्राफी में देखते हैं कि हमारे पास वही एक फिगर जिसके ऊपर अब मैंने क्या किया है, रेड कलर की एक रो बना दी है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। स्टूडेंट एल्युमिनियम आपने देखा था एक कंडक्टर है, करंट पास हो सकता है इसके अंदर, ये सिलेंडर बना हुआ है। इसके ऊपर एक सेलेनियम है जिसके अंदर करंट पास तब होगा जब लाइट पड़ेगी, और जब अंधेरा हो जाएगा तो सेलेनियम में से करंट पास नहीं हो सकता, ये इंसुलेटर भी ये शो करता है। इसके ऊपर स्टूडेंट ये देखिए पॉजिटिव कलर शो हो रहा है, पॉजिटिव हमने इसको दिया है। इसको पॉजिटिव कैसे देते हैं, ये एक क्रोना वायर होती है, क्रोना वायर्स को इसके ऊपर एक पैरेलल फॉर्म में स्ट्रेच किया जाता है और उसको हाई वोल्टेज दे के वहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाता है। जब इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते हैं तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, उस पॉजिटिव चार्ज को हम ये रेड कलर में शो कर रहे हैं। अब ज़रा देखते हैं स्टूडेंट वर्किंग में कि ये हमारे पास एक लैंप है जो कि रेडिएशन को, जो कि लाइट को प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ पर दो किस्म की रेडिएशन दिखाई गई है, लाइट को प्रोड्यूस कर रहा है ये लाइट। यहाँ पर एक पेज पड़ा हुआ है जिसके ऊपर वो राइटिंग है जिसको आपने कॉपी करना है। ये आपका नोट्स है या इसके ऊपर हमने ई लिखा हुआ है, ये जो डॉक्यूमेंट्स ई नज़र आ रहा है आपको, ये इसके ऊपर लिखा हुआ है। अब जैसे ही लाइट इसके ऊपर फॉल करेगी तो ये लाइट को आगे दो किस्म के कलर मिलेंगे। यहाँ पे दो किस्म के कलर हैं, एक तो ये राइटिंग, ये आपको ब्लैक कलर में मिलेगी, ये ब्लैक कलर है, और दूसरा इसमें ये है कि वाइट कलर, जो पेज का अपना कलर होता है वो वाइट होता है। अगर आपने उम्दा किस्म की फोटोकॉपी लेनी है तो ब्लैक एंड वाइट राइटिंग होनी चाहिए। ओके, अब जो है जैसे ही लाइट इसके ऊपर फॉल करेगी, ये लाइट यहाँ से दोनों से टकराएगी, दोनों से कोलाइड करेगी, ब्लैक इस लाइट को वहाँ भी ऑब्जर्व कर लेगा, ब्लैक इसको दोबारा वापस नहीं जाने देगा लाइट को, लेकिन जो वाइट पार्ट है वहाँ से लाइट आएगी, लाइट आएगी तो यहाँ पे आके ये पॉजिटिव चार्ज जो पड़े हुए हैं इसके ऊपर फॉल करेगी। स्टूडेंट यहाँ से लाइट फूल गई थी, लेकिन यहाँ पे ये लाइट ब्लैक एरिया ने रिफ्लेक्ट नहीं किया, क्योंकि ब्लैक बॉडी कोई भी है वो रिफ्लेक्ट नहीं करती, वो सारी की सारी लाइट को, सारी रेडिएशन को, सेवन कलर की होती हैं, सबको ऑब्जर्व कर लेती है, लेकिन जो वाइट होता है वो किसी को भी ऑब्जर्व नहीं करता वाइट कलर। इसीलिए वाइट कपड़ा जो है वो गर्मियों में यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वहाँ से उससे गर्मी कम लगती है। ब्लैक बॉडी जो होगी, ब्लैक कपड़ा होगा तो उसमें रेडिएशन सारी ऑब्जर्व हो जाती हैं, तो वो क्या करते हैं कि उसमें रेडिएशन सारी ऑब्जर्व होगी तो उसमें गर्मी ज़्यादा लगती है। अगर आपने इसको इसका ऑब्जर्व करना है तो आप एक ब्लैक बॉडी ले लें और एक वाइट बॉडी ले लें, दोनों को अगर आप धूप में रख देते हैं 5 मिनट, उसके बाद आप देखते हो तो आपको महसूस हो जाएगा कि कौन सी ज़्यादा गर्म है। ओके स्टूडेंट, ये पेज से राइट जो लाइट है इस लेंस, कन्वेक्स लेंस के अंदर से पास होकर आती है और इस सिलेंडर के ऊपर फॉल करती है। मैंने बोला था कि सिलेंडर के ऊपर सेलेनियम है येलो कलर में और उसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही लाइट आएगी, लाइट दो किस्म की आ रही है, अब एक तो ब्लैक एरिया आ रहा है और एक वाइट एरिया आ रहा है। स्टूडेंट जो वाइट एरिया आएगा ना वो क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को सेलेनियम में से गुजरने देगा, क्योंकि आपने देखा था जैसे ही सेलेनियम के ऊपर लाइट पड़ती है तो सेलेनियम कंडक्टर बन जाता है और इसके अंदर ये जो ऊपर पॉजिटिव चार्ज पड़ा है ये गुजर जाएगा, वो गुजर को एल्युमिनियम में जाएगा, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और यहाँ से वो ग्राउंड में चले जाएगा।
ओके, पीछे जो बाकी रह गया है वो आपके पास है ब्लैक एरिया, वो क्या करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ब्लैक जो सिलेंडर के ऊपर है, सिलेंडर के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज जो ई लिखा हुआ है आपके पास, ये पॉजिटिव में और इसका अक्स जो है वो उल्टा है, इमेज इसका उल्टा है, तो ये इस फॉर्म में पॉजिटिव जो है इस सिलेंडर के ऊपर जमा हो जाएंगे। और काफ़ी सारी राइटिंग है, ए लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, वो ए बी सी या ई ये पॉजिटिव की फॉर्म, पॉजिटिव से लिखा जाएगा, पॉजिटिव चार्ज से, और ये पॉजिटिव चार्ज ये राइटिंग उलट होगी। अब क्या करना है स्टूडेंट, ये पॉजिटिव चार्ज क्यों रह गए, क्योंकि ये एरिया डार्क था और ये इसके अंदर पास नहीं हो सका सिलीनियम से, क्योंकि सिलीनियम इसके लिए इंसुलेटर का बिहेव शो करता है। अब स्टूडेंट क्या है कि हम यहाँ पे टोनर यूज़ करते हैं, टोनर एक इंक है। व्हाट इज़ द करैक्टरिस्टिक ऑफ टोनर, टोनर इज द स्पेशल ड्राई एंड ब्लैक बॉर्डर, दिस टोनर इज गिवन अ नेगेटिव चार्ज, इसको नेगेटिव चार्ज दिया जाता है और इस सिलेंडर के ऊपर इसको सेपरेट किया जाता है, इसके ऊपर फैला दिया जाता है। अब स्टूडेंट अगर हम टोनर को नेगेटिव चार्ज ना दें तो ये तो इसके ऊपर गिर जाएगा, सिलेंडर के ऊपर अगर डालेंगे तो वह गिर जाएगा। अगर इस टोनर को हम नेगेटिव चार्ज देते हैं, सिलेंडर के ऊपर ई लिखा हुआ है, सिलेंडर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो पड़े हुए हैं वो इस टोनर को जो नेगेटिव चार्ज में है उसको अट्रैक्ट कर लेगा और इसके ऊपर पेस्ट हो जाएगा। अब क्या होगा स्टूडेंट, अब हम एक पेज यूज़ करेंगे यहाँ पे, वो पेज जो है जैसे ही सिलेंडर में से गुजरेगा तो वो जो इंक पड़ी हुई है इसके ऊपर, ड्राई पाउडर पड़ा हुआ है, वो पेज के ऊपर वैसा ही पेस्ट हो जाएगा। अब ये अभी पेज के ऊपर सिर्फ अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है, अगर इसके ऊपर थोड़ा सा कपड़ा फेरते हैं, हाथ फेरते हैं तो ये साफ़ हो सकता है। अब हमें क्या करना है, इसको आगे एक दो सिलेंडर है, हीटेड रूलर, दो रूलर है, उसके अंदर से हम पेज को पास करते हैं जिसके ऊपर ब्लैक टोनर पड़ा हुआ है। जैसे इसके ऊपर से पास करते हैं इस पेज के ऊपर से, और इस पेज को इस रूलर में से, तो वो इसके ऊपर जो हीट है वो अच्छी तरह उस टोनर को इसके ऊपर चिपका देती है। तो ये देखिए स्टूडेंट, आपने इसका प्रोसीजर देखा, अब आपको समझ लगी होगी कि कैसे इस पेज के ऊपर हम उनको पेस्ट करते हैं, कैसे हम फोटोकॉपी मशीन से इसके डुप्लीकेट बनाते हैं। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं थोड़ी सी और वर्किंग, द लाइट फ्रॉम लैम्प ट्रांसफर एंड इमेज ऑफ द पेज टू द ड्रम, द डार्क एरिया रिटेन देयर पॉजिटिव चार्ज बट लाइट एरिया बिकम कंडक्टिंग एंड लूज देयर पॉजिटिव चार्ज एंड बिकम न्यूट्रल। स्टूडेंट वही बात कर रहा है कि अगर आपके पास ये ए है और ये आपने पीछे पहले अपने वीडियो देखी है कि कैसे ए कैसे पेस्ट हुआ है, तो ये वही बात कर रहा है जो मैं आपको पहले समझा दिया है। द ड्रम कलेक्ट नेगेटिवली चार्ज ड्राई इंक फ्रॉम टोनर वेयर इट स्टिक्स टू द पॉजिटिव चार्ज एरिया, द इंक फ्रॉम द ड्रम इज ट्रांसफर्ड ऑन द शीट ऑफ पेपर ऑन विच द डॉक्यूमेंट इज टू बी कॉपीड, हीटेड रूलर रोलर्स देन मेल्ट द इंक ऑन द पेपर टू प्रोड्यूस द परमानेंट प्रिंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ओके स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये कंप्लीट प्रोसेस समझ लग गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम मिलेंगे नेक्स्ट इंकजेट प्रिंटर के साथ।